राजधानी में भीड़ भरे बाजार हों या फिर मिनी बस, सवारियों की जेब काटने की वारदातें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन इस बीच जयपुर की मानसरोवर पुलिस ने एक सवारी की सूचना पर बसों में जेब तराशी करके जेब से नकदी पार करने वाली करीब आधा दर्जन महिलाओं को दबोचा है। जानकारी के मुताबिक पकड़ी गई सभी महिलाएं गुजरात की बताई जा रही हैं और बसों में बैठकर जेब से नकदी पार करने में माहिर हैं। पुलिस की जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति का थाने में फोन आया था कि कुछ महिलाएं बस में बैठकर जेब तराशी की वारदात करने में फिराक हैं और सूचना पर पुलिस ने चिन्हित स्थान पर सर्च किया तो सभी महिलाएं बस के इंतजार में खड़ी दिखी। जब पुलिस ने उनसे उनकी पहचान पत्र मांगे तो वो देने में आनाकानी करने लगी। पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए सभी महिलाओं को मौके से पकड़कर थाने लेकर के आ गई और सभी थानों को इस महिला गैंग की सूचना दी गई। मानसरोवर एसएचओ सुनील कुमार ने बताया कि पकड़ी गई सातों महिलाएं गुजरात के साबरमती आश्रम की रहने वाली हैं, जिनके पास से कोई सामान और पैसा और नकदी बरामद नहीं हुई है। सूचना मिलने पर मानसरोवर के वरुण पथ पर कार्रवाई की गई है। वहीं सातों महिलाओं को जेल भेज दिया गया है।